हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब फॉर यू। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इससे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस कर लिया है अपना टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में अपना मेमोरी लेवल कंप्लीट कर लिया था, और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। बात करते हैं मेमोरी लेवल में। हमने देखा था कि ये लीस्ट थाउटफुल वाली स्टेज होती है, जब एक स्टूडेंट जो है वो शुरू शुरू में अपनी स्कूल में जाता है, ठीक है, तो एक स्टूडेंट के पास कुछ भी नॉलेज नहीं होता और ना ही वो कुछ सोचता है। बिल्कुल थाउटलेस वाली स्टेज होती है जब रोट लर्निंग का कंसेप्ट जो है वो अपनाया जाता है। फिर हाँ था अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आके वो स्टूडेंट जो है वो कुछ कुछ समझने की कोशिश करता है, थोड़ा सा थाउटफुल वाली स्टेज पर आता है। एंड रिफ्लेक्टिव लेवल था मोस्ट थाउटफुल। यहाँ पर जैसे कि आप अपनी मास्टर डिग्री या पीएचडी में गए हो, अभी आपने रिसेंट अभी अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली होगी, तभी तो आप हमारा यूजीसी नेट का कोर्स देख रहे हैं, ठीक है, तो आप हैं इस टाइम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। बात करते हैं मेमोरी लेवल को हमने डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं कहूंगी कि यदि आप इन सेशन को देख रहे हैं और इससे पहले वाले सेशन को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, टीचर जो है वो ट्राई करता है प्रेजेंट अपनी इंस्ट्रक्शन को देता प्रेजेंट करता है स्टूडेंट के सामने, और स्टूडेंट जो है वो उसको अंडरस्टैंड करता है, और यहाँ पर वो प्यूपल जो आपका शिष्य है वो अंडरस्टैंड करता है और जनरलाइजेशन की ओर जाता है, प्रिंसिपल और फैक्ट को जानने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करने की समझने की कोशिश करता है। और यहाँ पर टीचर जो है वो ट्राई करता है प्रोवाइड करता है मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी किसको, स्टूडेंट को, ताकि वो डेवलप कर सके अपने इंटेलेक्चुअल बिहेवियर ऑफ द प्यूपल को, ठीक है, और बोथ प्यूपल एंड द टीचर पार्टिसिपेट इन डेवलपिंग द लेसन व्हाइल टीचिंग ऑकर्स एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं ताकि डेवलप किया जा सके अपनी जो भी नॉलेज है उसको एक्वायर किया जा सके व्हाइल टीचिंग ऑकर एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो एक लर्नर एंड रिक्वायर्ड टू कंप्रिहेंड द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। यहां जो लर्नर है उसको क्या दी जाती है, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी जाती है और वो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश जो है वो करता है। और टू नो, यहां पर जो इस स्टेज में अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में वो सिर्फ जो उसके पास इंफॉर्मेशन आई होती है, इंफॉर्मेशन उसके पास होगी, उसको सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तरह ही नहीं लेगा बल्कि उसको जानेगा, उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग को जानेगा, कंसेप्ट को जानेगा और उनके बीच में रिलेशनशिप को भी जानने की कोशिश करेगा एंड अप्लाई करेगा फैक्ट कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल को। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को हम थोड़ा थियोरेटिकल वे में पढ़ते हैं। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, एक मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल की बीच वाली स्टेज होती है। मेमोरी लेवल से थोड़ा सा उठकर हम अंडरस्टैंडिंग लेवल में जाते हैं और अंडरस्टैंडिंग के लेवल के बाद ही हम रिफ्लेक्टिव लेवल में जाते हैं। तो ये स्टेज ऑफ टीचिंग है जो इन्वॉल्व करती है मॉडरेट लेवल ऑफ थॉटफुल बिहेवियर, ठीक है, और इसमें जो टर्म दी गई ना अंडरस्टैंडिंग, जिसका लिटरली मीनिंग क्या है कि कंप्रिहेंड करना, ग्रैप्स करना, नए नए नॉलेज को लेना, और टू लर्न, टू इंटरप्रेट एंड टू इन्फर, ठीक है। मॉरिस एल्विगिज ने भी अपनी बुक लर्निंग थ्योरी ऑफ टीचर्स में लिखा है, डिफाइन किया है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या होता है, सीक करना एक्वेंट स्टूडेंट विद द रिलेशनशिप बिटवीन जनरलाइजेशन, ताकि जो स्टूडेंट है वो सीख कर सके, इंफॉर्मेशन को ले और नॉलेज इकट्ठा कर सके, रिलेशनशिप को बढ़ा सके अपने, और जनरलाइजेशन की तरफ जो है वो जाए, ठीक है, और ना कि केवल सिर्फ फैक्ट को जाने बल्कि उसको को कुछ कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करना भी जो है वो स्टार्ट कर देता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। मॉरिसन जो है वो इसके मेन एक्सपोनेंट माने जाते हैं। आपको हमने उस दिन भी बताया था कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के एक्सपोनेंट कौन है, आपके हर्बर्ट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के कौन है आपके मॉरिसन, और रिफ्लेक्टिव लेवल के कौन है हंट, ठीक है।
मॉरिसन ने वेरी क्लियरली स्टेटेड किया है अपनी अंडरस्टैंडिंग इज नॉट मेयरली, जिसमें मॉरिसन ने कहा है कि अंडरस्टैंडिंग क्या है, सिर्फ यही नहीं है कि रिकॉल करना उस जो चीज उसने समझी है उसको याद रखना, यही नहीं है, बल्कि उसको समझ कर जनरलाइजेशन की ओर जाना है और कुछ एक स्पेसिफिक फैक्ट को जानने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश जो है वो करनी, ठीक है। तो ये क्या है, इनसाइड इनटू हाउ इट मे बी यूज्ड इन अ फ्यूचर सिचुएशन, इन चीजों को जो भी उसने नॉलेज लिया है उसको अंडरस्टैंड करना है ताकि वो फ्यूचर सिचुएशन में उसको अप्लाई कर सके। मॉरिसन असर्टेड किया है दैट आउटकम ऑफ ऑल टीचिंग इज अ मास्टरी, ठीक है, ताकि जो मॉरिसन ने ये भी कहा है कि जो सभी शिक्षण का परिणाम जो है वो मास्टरी है, मास्टरी नहीं बल्कि तथ्य को याद रखना नहीं बल्कि उसमें सब्जेक्ट में मास्टरी लेना, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है उस सब्जेक्ट को। और ही प्रपोज्ड अ यूनिट प्लान, ठीक है, ईच यूनिट रिप्रेजेंट करती है एन इनसाइट व्हिच इज रिलेटिवली कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के, तो मॉरिसन जो है वो के मेन एक्सपोनेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन एक्सपोनेंट है आपके मॉरिसन। मॉरिसन जो है वो मेन एक्सपोनेंट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के। इट इज मेमोरी प्लस इनसाइट एज इट गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजेशन, मेमोराइजिंग फैक्ट, ठीक है। इसमें बोला है कि सिर्फ तथ्यों को याद रखने से परे है, बोला है बल्कि एक फोकस करना है, आपको मास्टरी करनी है उस सब्जेक्ट में जो भी आप जो है वो स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और इट इसमें क्या होता है, जो प्यूपल है, जो शिष्य है जो है वो अंडरस्टैंड करता है जनरलाइजेशन प्रिंसिपल और फैक्ट को, ये प्रोवाइड करता है मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट। इस अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या किया जाता है, स्टूडेंट को मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी जो है वो भी दिलवाई जाती है ताकि स्टूडेंट डेवलप कर सके इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को। ये प्रोवाइड करता है एक्टिव रोल इसमें, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में जो शिष्य होता है, प्यूपल जो होता है, उसको एक्टिव रोल प्ले करना पड़ता है और टीचर के साथ जो है वो, जैसे कि टीचर कुछ समझाएगा उसको वो अच्छे से समझेगा और उसको अंडरस्टैंड करेगा, एक्टिव रोल यहाँ पर स्टूडेंट का रहता है, ठीक है। इवेल्युएशन सिस्टम किस तरह से होएगा, किस तरह से हम अंडरस्टैंडिंग लेवल में इवेल्युएट कर सकते हैं, तो ऐसे जैसे ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गए, इस तरह से आप अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में जो है इवेल्युएशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैरिट एंड डीमेरिट, ठीक है। मैरिट को जानने की कोशिश करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की, क्या कुछ मैरिट्स होती हैं। तो इफेक्टिव लर्निंग होती है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होगा, जब आप अंडरस्टैंड करके कुछ चीजों को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो सबसे पहले क्या होगी, इफेक्टिव लर्निंग होगी एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कॉग्निशन एबिलिटी, और स्टूडेंट में क्या होगी, डेवलप होगी उसकी डिफरेंट कॉग्निशन एबिलिटी, ठीक है। और सेट स्टेजेस फॉर एंटरिंग इन टू रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, कि क्या होगा, रिफ्लेक्टिव जब आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तभी तो आप बाद में एंटर करोगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन होगी, जब स्टूडेंट भी अच्छे से समझेगा, टीचर भी अच्छे से समझाएंगे, तो इफेक्टिव क्लासरूम तो होगी, है ना। और डीमेरिट्स क्या क्या है, डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, कि इग्नोर किया जाता है हायर कॉग्निटिव एबिलिटी को, और आपका लेस एम्फेसिस होता है इंटरेस्टिक मोटिवेशन में, ठीक है, कि जो स्टूडेंट होता है जो सिर्फ अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, उसमें अंदर से जैसे इंटरेस्टिक आंतरिक कोई भी मोटिवेशन जो है वो नहीं होता, उसकी कमी जो है वो देखी जाती है। नो इंडिविजुअलाइज लर्निंग होती है, ठीक है, लर्निंग नहीं होती कहीं भी, कोई भी व्यक्तिगत शिक्षा जो है यहाँ पर नहीं होती, और टीचर सेंटर अप्रोच जो है यहाँ पर अपनाई जाती है। अब हम जाने की कोशिश करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की। तो इस स्टेज में जब हमने मेमोरी लेवल देख लिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल देख लिया, ये है आपका थर्ड लेवल जो कि है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो उसकी हायर और थर्ड स्टेज होती है। इस स्टेज ऑफ लर्निंग में स्टूडेंट्स जो होता है डू नॉट मेयरली, इसमें स्टूडेंट जो होता है ना कि मेयरली रिपीट करता है, रिवाइज करता है, बल्कि आंसर भी करता है क्वेश्चन को,
और इसके अलावा वो क्या करेगा, क्वेश्चन को पूछेगा भी, ठीक है। नो डू दे ओनली अंडरस्टैंड, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो अंडरस्टैंड करने ही की कोशिश नहीं करता, बल्कि लर्न करता है इंटर रिलेट और इंटरप्रेट द कंसेप्ट, बट ऑल्सो दे पाउंडर अपॉन करने की भी कोशिश करता है, कंटेम्पलेट करता है अपनी सिचुएशन को, मतलब प्रैक्टिकल वे में कुछ एक चीजें जो है सीखने की कोशिश करता है, और पे करता है सीरियस थॉटफुल कंसिडरेशन टू द प्रेजेंट कंटेंट्स, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, दिस लेवल ऑफ टीचिंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग जो है इसे माना जाता है। इस स्टेज में यही हमने देख लिया कि वो सिर्फ लर्निंग ही नहीं करता, बल्कि नॉट ओनली रिपीट ही नहीं करता, रिवाइज ही नहीं करता, जो कि आंसर भी करता है क्वेश्चन को, अंडरस्टैंड भी करता है, इंटरप्रेट करेगा अपने शब्दों में, कंसेप्ट को जानने की कोशिश करेगा, पाउंडर अपॉन करेगा, कंटेम्पलेट करेगा, और अपना थॉटफुल, मोस्ट थॉटफुल वाली ये स्टेज मानी जाती है, इसलिए पे करता है सीरियस थॉटफुल कंसिडरेशन टू द प्रेजेंट कंटेंट्स, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में ये जो लेवल ऑफ टीचिंग है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो माना जाता है लर्निंग एक्टिविटी में, ठीक है। और इट इज अ स्टेज ऑफ लर्निंग व्हेन, ये एक ऐसी स्टेज ऑफ लर्निंग है जब स्टूडेंट डू नॉट मेयरली रिपीट, इसमें स्टूडेंट जो है वो सिर्फ रिपीट ही नहीं करता, आंसर ही नहीं करता, वही चीज जो हमने चार्ट के थ्रू पढ़ी, ठीक है, अब पिक्चर के थ्रू, वही यहाँ पर बताई है कि यह है कि ये सिर्फ क्या करता है, सिर्फ दोहराता ही नहीं है, संशोधित ही नहीं करता, उत्तर ही नहीं देता, लेकिन अवधारणाओं को अपने तरीके से समझने की भी कोशिश करता। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के, कि डेवलप करना इनसाइट इनटू द लर्नर टू सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है, कि वो क्या करता है समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षार्थी में अंतर्दृष्टि जो है वो विकसित करता है, और डेवलप करता है रैशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि स्टूडेंट में जो है वो अपने मतलब प्रैक्टिकल वे से कुछ एक क्रिटिकल थिंकिंग को करके अपना जो है वो अपनी जो भी उसकी बुद्धि है उसका विकास जो है वो कर सके, डेवलप कर सके रैशनल क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट, एंड डेवलप कर देगा इस रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में डेवलप किया जाता है एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ मेकिंग इन द स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हंट जो है उसके मेन प्रोपोनेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है हंट क्या है, मेन प्रोपोनेंट है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, याद रखना भी बहुत इजी है, ठीक है, याद रखिएगा। हंट जो है वो मेन प्रोपोनेंट है आपके रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में, तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, ये इंक्लूड करता है बोथ अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, और ये प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, मतलब यदि प्रॉब्लम आई तो हम उसको एकदम से जो है वो उसका सोल्यूशन जो है वो कर सकते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। प्रॉब्लम सेंटर अप्रोच अपनाई जाती है टीचिंग में, द स्टूडेंट आर अज्यूम, इसमें स्टूडेंट जो है छात्रों को समस्याओं को हल करने के लिए जो है वो प्रेरित किया जाता है, अडॉप्ट करे वो सम शॉर्ट ऑफ रिसर्च अप्रोच ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व जो है वो किया जा सके। क्लासरूम एनवायरमेंट इज टू बी सफिशियंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है, कि जो भी क्लासरूम एनवायरमेंट होगा वो सफिशियंटली ओपन होगा और इंडिपेंडेंट होता है, और लर्नर जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसे आंतरिक, जैसे कि अभी आप इस स्टेज पर हैं तो आपको पता है कि हमने एग्जाम क्लियर करेंगे हमें ये पर्टिकुलर बेनिफिट होगा, तो हमें अंदर से इंटरेस्टिक मोटिवेशन जो है वो यहाँ पर होती है रिफ्लेक्टिव लेवल। बोला है एम क्या है, डेवलप करना रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव पावर ऑफ लर्नर सो दैट दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम, ठीक है, कि इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षार्थियों की चिंतनशील शक्ति विकसित करना है ताकि वे तर्क और कल्पना द्वारा अपनी जीवन की समस्याओं को हल कर सकें और सफल और खुशहाल जीवन जो है वो जी सकें। छात्र जो है प्राथमिक स्थान पर कब्जा करता है, इसमें प्यूपल जो ऑक्युपाई करता है प्राइमरी प्लेस एंड टीचर अज्यूम द सेकेंडरी प्लेस, यहाँ पर ये बात बोली गई है ना कि जो प्यूपल ऑक्युपाई करता है प्राइमरी प्लेस, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब आप पीएचडी करेंगे अपनी मास्टर डिग्री करेंगे तो आपको डिसर्टेशन खुद से बनानी पड़ती है ना, तो यहाँ पर जो प्यूपल है वो खुद से काम करता है और टीचर जो है सेकेंडरी प्लेस में होता है, मतलब टीचर जो है सिर्फ आपको गाइड करेगा, बाकी काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, है ना। और इजी टाइप टेक्स्ट इज यूज किया जाता है एवेल्युएशन सिस्टम में, जैसे एटीट्यूड बिलीफ और इन्वॉल्वमेंट आर ऑल्सो एवेल्युएटेड, ठीक है, इसमें सब कुछ देखा जाता है कि
एटीट्यूड कैसा है, बिलीफ कैसा है, इन्वॉल्वमेंट आर ऑल्सो एवेल्युएटेड, ठीक है। मेरिट डिमेरिट को जानने की कोशिश करते हैं, तो आपका मेरिट क्या है, मेरिट और एडवांटेजेस क्या है, तो इट इज अ मोस्ट थॉटफुल मोड ऑफ ऑपरेशन। ये जो है वो मोस्ट थॉटफुल होता है, मतलब आपको गहन बुद्धि लगाने की जरूरत होती है, काफी ज्यादा चिंतनशील होने की यहाँ पर जरूरत होती है, मतलब आपको बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके आप, जैसे कि आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा दिमाग जो है वो लगाने की जरूरत होती है, विचारशील तरीका जो है आपको अपनाना पड़ता है। लर्नर सेंटर अप्रोच होती है कि लर्नर खुद से करेगा, लर्नर सेंटर अप्रोच होगी। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास होगा और यूजफुल फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, ठीक है। और ये क्या है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी है और प्रोवाइड करता है मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ मोटिवेटेड। यहाँ पर स्टूडेंट जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, और यहाँ पर डेवलपमेंट होती है क्रिएटिविटी की, मतलब जो स्टूडेंट है वो खुद से करने की कोशिश करता है, खुद से जाने की कोशिश करता है, खुद से सब कुछ करेगा तो डेवलपमेंट तो होगी ही, है ना, क्रिएटिविटी। अब जान लेते हैं, लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा डिमेरिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इट इज नॉट सुटेबल फॉर लोअर क्लासेस, ये सुटेबल नहीं है आपका लोअर क्लासेस के लिए। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो है वो खुद से सब कुछ करना पड़ता है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन आप बहुत कुछ सीखते भी हैं, ठीक है। लेकिन अब हम डिमेरिट देख रहे हैं, तो हाँ बोला है इट इज नॉट एप्लीकेबल इन ड्यूअल स्टूडेंट, ठीक है, सुस्त छात्र, डल स्टूडेंट बोला है, ये सुस्त छात्रों के लिए लागू जो है वो नहीं होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में मोस्ट थाउटफुल वाली स्टेज होती है ये, और देर इज एन एक्सेस बर्डन टू द टीचर, और शिक्षक पर अतिरिक्त बोझ जो है वो पड़ता है, ठीक है। ये थे आपके मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, ये हमने जान लिया कि मेमोरी लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है। याद रखता है मेमोरी लेवल दिया है हार्वर्ड ने, अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया है मॉरिसन ने, आपका रिफ्लेक्टिव लेवल दिया है हंट ने, ठीक है, याद रखिएगा, इन सभी पॉइंट्स को याद रख लीजिएगा। यहाँ पर बहुत लीस्ट थाउटफुल वाली स्टेज होती है, यहाँ पर थाउटफुल वाली होती है, यहाँ पर मोस्ट थाउटफुल वाली स्टेज होती है, ठीक है। एक बार सिलेबस को जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक जो है वो हो चुके हैं, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सेशन में अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। ये यूनिट यूनिट सारी ही यूजीसी नेट की सारी ही यूनिट जो है वो काफी ज्यादा लॉन्ग है, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, पेपर वन में भी पेपर टू में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो रहेगा, ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।